कोई भी फेस्टिवल, कोई भी उत्सव एक प्लेटफॉर्म होता है कुछ वार्ता देने की। ऐसे ही कोलकाता का एक पूजा पंडाल जो जिसका नाम है चालता बगान, उस पूजा पंडाल का संदेश है कि जैसे पहले पहले हम लोग देखते थे कि मैनुअल लेबर, और अभी जो बना है, जो हो रहा है दिन के दिन, वो है मशीन लेबर। वही मैनुअल लेबर को प्रमोट कर रहा है कोलकाता का चालता बगान का ये पूजा। हम लोग देख सकते हैं कि पूजा पंडाल जैसे करके बनाया गया है कि उसमें बहुत सारे हाथिया जो पहले मैनुअल लेबर की काम करते थे, उसी के साथ साथ जैसे बहुत सारे आदमी एक साथ कोई मॉन्यूमेंट या कोई भी मंदिर को बनाने में जुटते थे एक साथ, जैसे कि हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हैंडमेड पुली, जो पुली से भारी सामान को उठाया जाता था, वैसे ही करके ये पूरा जो दुर्गा पूजा का पंडाल है बनाया गया है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग वार्ता देने की कोशिश किया है इस बार सेंट्रल कोलकाता की चालता बगान की पूजा। और सभी के पास यही वार्ता है कि मशीन की यूज़ कम हो, और साथ ही साथ मैनुअल लेबर, हार्ड लेबर और फिजिकल एक्सरसाइज की परिमाण बढ़ाया जाए मनुष्य द्वारा। कैमरा में प्रसून के साथ अनिर्वाण, आज तक कोलकाता। कहा जाता है कि विश्वास और भरोसे कांच की तरह होते हैं, क्योंकि एक बार अगर टूट जाए तो वो फिर वापस लौट के नहीं आता। लेकिन इस नॉर्थ कोलकाता की जो दुर्गा पूजा मंडप है, उस मंडप का नाम है चोर बगान सार्वजनिक दुर्गा उत्सव कमेटी। और ये चोर बगान दुर्गा उत्सव कमेटी ने ये जो कांच का टूटने का जो कोट है उसको गलत साबित किया है, क्योंकि उन लोगों का वार्ता है कि जो कांच का जो आइटम्स होता है उनसे भी टूट जाने के बाद भी बहुत बढ़िया आर्ट इंस्टॉलेशन हो सकता है। और उसी को लेके एक बढ़िया आर्ट इंस्टॉलेशन किया है, जो कि दुर्गा पूजा कोलकाता का सबसे बड़ा फेस्टिवल और वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल को बनाया गया है। उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि कांच के टूटा हुआ बोतल से लेके चूड़ी तक और बहुत सारे चीज़ों से इस पंडाल को सजाया गया है। और एक ही साथ साथ माँ दुर्गा का रूप भी बहुत आलोचक है। एक ही साथ जो इंडिपेंडेंस का 75 इयर्स हुआ है उसको लेके माँ दुर्गा के पीछे नेशनल एम्ब्लेम भी लगाया गया है। और ये वार्ता है सबसे कि दुर्गा पूजा और जो मनुष्य का इमोशन है, ट्रस्ट है, वो और भरोसेमंद बने, और एक बार टूट जाने के बाद भी ये फिर से जुड़ सकता है, ऐसा विश्वास एक दूसरे के ऊपर रखे। कोलकाता से कैमरा में प्रसून के साथ अनिर्बान, आज तक। अगर 2 साल से देखा जाए तो कोविड के कारण कोलकाता में दुर्गा पूजा काफी थमक सा गया था। इस बार धूमधाम से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाएगा। अभी हम लोग हैं नॉर्थ कोलकाता के टाला प्रत्यय पूजा मंडप में। इस पूजा का जो थीम है, थीम का नाम दिया गया है मोशन। और जो मूल जो धारणा है इस जो सुंदर आर्किटेक्ट का, वो है ह्यूमन मोशन, जो कि बताया जा रहा है कि बिना ह्यूमन की कुछ हो नहीं सकता और दुनिया भी चल नहीं सकता। हमारे साथ है अभी जो इस पंडाल का आर्किटेक्ट है, मिस्टर सुशांतो पाल। सर, ये जो भावना है, जो ये तैयारी किया गया, कैसे आया? एक्चुअली लास्ट 2 ईयर से जो कोविड सिचुएशन हम लोगों के जीवन के ऊपर जो एक प्रभाव फैला है, तो उसके हिसाब से क्या है, 2 साल कलकत्ता में दुर्गा पूजा हुआ था, बंगाल में दुर्गा पूजा हुआ था, लेकिन फेस्टिवल नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम जो दुर्गा पूजा में ह्यूमन पार्टिसिपेशन नहीं था, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कोई फेस्टिवल नहीं हो सकता। तो इस ईयर वही सोच से मेरा ये भावना शुरू हुआ, वहाँ से दैट इज़ द मेन पॉइंट टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ थिंग। तो हम लोगों का जो इस साल का जो कॉन्सेप्ट है, जो रीति द मोशन, जैसे कि 2 तरह का मोशन इस यूनिवर्स में होता है, एक नेचुरल जो यूनिवर्सल मोशन कि अर्थ इज मूविंग अराउंड, एंड द अदर एक्सेप्ट दैट ऑल मोशन
is happening because of human participation, human touch. माने मानव शक्ति के अलावा कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं होता, तो उसको लेके ही हम लोग एक काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, 215 पीपल मेरे साथ को वर्कर एक साथ मिलके हम लोग 3 से 3.25 महीना डाल के ये एक महायज्ञ हम लोग खड़ा किया है। लेकिन ऑडियंस जो देख रहा है वो एंड प्रोडक्ट देख रहा है, उसका जो प्रोसेस वो नहीं देख रहा है। लेकिन ऐसा एक स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट किया है जहाँ पे भी जो कोई भी इंसान का टच ये स्ट्रक्चर को मूव कर सकता है। हम लोग ऑडियंस को भी अपील कर रहा है कि अगर आप हमारा इस काम का हिस्सा बन सकते हैं तो यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन परफॉर्म ऑल्सो, एंड दे आर एंजॉइंग दिस परफॉर्मेंस एंड दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। एकदम हम लोग जो देख सकते हैं कि ह्यूमन लेबर जो है काफ़ी, हम लोग देख सकते हैं कि वो जो मोशन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, जो पंडाल का जो मोशन है वो ह्यूमन लेबर से क्रिएट किया जा रहा है। और काफ़ी जो अभी पूरा दुर्गा पूजा बाकी है और लगता है कि बहुत उमदा फुटफॉल होने वाला है इसमें। और ये जो टाला प्रत्यय का आर्ट इंस्टॉलेशन है वो पूरा आँख बबूला कर देने वाला है। कैमरा में प्रसून के साथ अनिर्बान, आज तक कोलकाता।